नाम हो गया नारसिंह जी। हाँ जी जी। और ग्राम मंडावरी। मंडावरी। हाँ जी। और जिला सर दौसा। दौसा जिला। हाँ जी। तहसील लालसोट। लालसोट। हाँ जी जी। वैसे घोड़ा लाइन में कितने सालों से हो सर आप? घोड़ा लाइन में मैं कम से कम 20 साल होगी मेरे। 20 साल हो गई। हाँ, पहले मेरे दादा ने रखे थे जी, मेरे फादर ने भी रखी थी घोड़ियाँ जी, और जैसे ही मेरे को लगा कि अब मेरे को भी रखना चाहिए जी, जब से मैं भी रखता हूँ। तो बचपन से ही हो गया कि? हाँ, बचपन से। मान लो आप, मैं 9th में पढ़ता था जी, तब से शुरुआत में मैंने घोड़ा लिया था जी, उसके बाद में घोड़ियाँ। कई जानवर आए, कई गए, कई जानवर आए। तो अपने जो फार्म है उसका क्या नाम है सर? मेणा स्टेट फार्म मंडावरी। हाँ जी, मंडावरी गांव है हमारा जी। तो हमने मेणा स्टेट फार्म रख दिया मंडावरी जी। मेणा में तो मेरे साथ से आसपास के इलाके में आप ही रखते होंगे? हाँ नहीं, कई रखते हैं यहाँ, चारों तरफ कई गांव हैं, लेकिन इतने जानवर और ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि घोड़ों के भी अच्छा कूलर चल रहा है, कई इंसानों के भी नसीब नहीं होता है। सब इनके नसीब में है, वो व्यवस्था हो जाती है अपने आप जी। अपना प्रयास है, कितना कर सके कितना नहीं कर सके, कोशिश है अपनी, तो उसको करते हैं। तो अभी अपने फार्म में कितने जानवर है नारसिंह जी? अभी एक घोड़े का, घोड़ी का बच्चा है घोड़ा जी, बाकी 9 घोड़ियां हैं। 9 घोड़ियां हैं। हाँ जी, 9 घोड़ियां। बहुत अच्छी बात है। तो ये घोड़ी हो गई आपके पास? हाँ। तो इसका क्या नाम है सर? रणथंभौर है इसका नाम। नाम भी सबसे अलग है। बिल्कुल रणथंभौर। यहाँ इधर तो रणथंभौर का कल्ला और इधर रणथंभौर, ऐसी बात है ना, इसलिए इसका स्पेशल नाम है रणथंभौर। रणथंभौर है जी इसका। और यहाँ एक तीर्थ स्थल भी है, काफी लोग आते हैं, उसका नाम ही रणथंभौर ही है। हाँ, वो सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर जी, गणेश जी महाराज का किला है, और उसको ही मनाना चाहिए। हिंदू समाज में गणपत से, गणेश जी महाराज से कोई बड़ा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास शुरू से ही है, इसकी कहानी कैसे शुरू से आपके पास घोड़ी? घोड़ी को इसको मैं पहले से जानता था, ये दिलराज के पास थी, डिडवाड़ा। डिडवाना। डिडवाड़ा गांव पड़ता है यहाँ मलाना के पास में जी। उसके पिताजी का नाम है सागर जी, उससे खरीदी है मैंने इसको। उससे खरीदी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कितने साल की उम्र से लाए थे ये? कितने साल हो गए मेरे पास? अभी 2 साल हुए इसको। 2 साल हुए। 2 साल हुए जी। तो ट्रेन तो आप ही की इसको? क्या ट्रेन लगभग वहां भी थी, और कुछ हमने भी की थी। कुछ आपने भी की थी जी। वैसे आपको राइडिंग करते हुए कितने साल हो गए सर? मैं देख लो कि 9th में से मेरा 8th-9th में से लग गया था, 11th-12th में मैं आराम से करने लग गया था राइडिंग। 11th-12th? हाँ, 11th-12th में पढ़ता था मैं उस टाइम। तो पिताजी को देख के सीखे राइडिंग का? हाँ, पिताजी को, दादा को, यही सब था। तो अभी कौन सी चाल चलती है? रेवाल। ये रेवाल चाल चलती है। रेवाल चाल। हाँ, बहुत अच्छी जी। अभी मीठालाल जी कह रहे थे इनके पास में राणोली गांव है। राणोली है गांव साहब। दंगल तो कई होते हैं जी, लेकिन राणोली में हुआ था दंगल। दंगल ही हुआ था वो? दंगल हुआ था, उसमें कई चीजें हुई थी जी। बाकी आपको चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा, आपने देखा भी होगा जी, कि मेरी घोड़ी सारी घोड़ियों में सबसे एक नंबर रही थी, और है और रहेगी। रहेगी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ भी। तो वैसे स्पीड कितनी चलती है सर ये? स्पीड इसका कोई पता ही नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन रोड पर गाड़ी लगा कर नापी थी जी, तो 40 प्लस है। 40 प्लस है। हाँ, लेकिन इसको जैसा जानवर मिलता है उसी हिसाब से स्पीड बना लेती है जी। बहुत अच्छी बात है। और वैसे मार्किंग की बात करें इसकी, तो क्या है मार्किंग इसमें? मार्किंग सामने तो ये आपको दिख ही रहा है जी, पता, दो पैर सफेद है पीछे के, दो पैर पीछे के सफेद है जी। तो इससे आपसे राइडिंग के लिए ये एक बच्चा भी लिया पहले? पहले ये ब्याह चुकी थी जी, और अब ये 2-4 दिन में ब्याहने वाली है। ब्याहने वाली है। हाँ। तो कौन से घोड़े से सुबह है ये? ये लाइन का एक घोड़ा था गुजरात से जी। क्या नाम था सर उसका? उसका नाम वो मेरे ध्यान से उतर गया उसका नाम, और वो घोड़े की डेथ भी हो गई। डेथ हो गई। हाँ जी। अच्छा लाइन का घोड़ा? लाइन का घोड़ा था, बहुत अच्छा, पच कल्याण जी, कुमेत। कुमेत। हाँ जी जी। तो ये घोड़ी कौन से लाइन से है, पता है थोड़ा सर? ये देखो, लाइन का तो मेरे को ये लोग बाग कहते हैं उस तरीके से, झूठ बोलना गलत है जी, लेकिन लाइन है जो इसकी सामने है, मेरे को इसका बाप का पता नहीं है, ना इसकी माँ का पता है जी। इसका पता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है पूरे आसपास के इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत अच्छी बात है। कई दंगलों में गई है ये, हमारे चारों तरफ कई उस्ताद हैं, उन्होंने घोड़ियां, घोड़े कई तैयार किए, लेकिन सब इसके नीचे रहे हैं। सब इसके नीचे सारे। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है, तो मैं चैनलों के माध्यम से कहूंगा, कभी भी कैसी भी टाइम
कंपटीशन के लिए मेरी रणथंभौर खड़ी है, कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, खुली चुनौती है। क्योंकि अपना माल एकदम शुद्ध है तो फिर चैलेंज देने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, पुष्कर गया था मैं, वहां भी किसी ने नहीं चलाया, मेरे साथ में निर्विरोध आया हूँ जी। और यहाँ भी कई दंगलों में गया हूँ, सब में फर्स्ट आए। मेठलाल जी यहाँ बैठे हैं, रावणोली वाले मेठलाल जी, इधर इनके गाँव में दंगल हुआ था जी। और वैसे इनका गांव ठीक है, लेकिन कई आदमी क्या है कि ऐसे ही हैं, इसलिए इन्होंने पक्षपात किया था, लेकिन फैसला रणथंभौर ने कर दिया। रणथंभौर ने कर दिया, बहुत बिल्कुल फैसला कर दिया जी कि घोड़ी इस तरीके से चलाई जाती है और इस तरीके से जानवर रखा जाता है। मेठालाल जी इधर आइए। तो मेठालाल जी, आपके रावणोली में दंगल हुआ था, आपको पता हो तो। तो मेरे मुँह से तो शायद झूठ लगेगी आपको जी, इनसे ही पूछिए आप। और सुनाओ मेठालाल जी, कैसे क्या हो? बस मजा है सब, बढ़िया। आप देख रहे हो, और भी कुछ नहीं। इसके पास भी जो चंद्रमुखी घोड़ी है, बहुत प्यारी घोड़ी है। हाँ, आप आगे साहब, मेरे एरिया में नासिंग जी है, इससे फेमस है आदमी जी, अच्छे आदमी है, बढ़िया घोड़ी रखते है, बढ़िया जानवर रखते है, बढ़िया अच्छी चलती है। और ये है मतलब रेवाड़ चाल कमाया, बहुत बहुत जोरदार, मेरे इलाका में नहीं है सर जी। बहुत अच्छा, फर्स्ट रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग थे जी, उन्होंने इनका दंगल को खराब कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कभी दंगल में, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ईमानदारी का कार्य होना चाहिए और ईमानदारी से ही दंगल की प्रतियोगिता को देखना चाहिए। और उसको सिंह जी, नए भाई भी काफी राइडिंग सीख रहे और काफी युवा आजकल, हाँ, कोरोना के बाद में तो घोड़ा लाइन में ऐसे तूफान आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी देखो हरियाणा पंजाब कहीं से देखो, अरे डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जी, तो कम से कम 10-20-50 किलोमीटर का सफर है इनसे ही करेंगे। सही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। जाएगी तो आप शुरू में जब राइडिंग सिखाते हो तो कैसा लेना चाहिए, छोटी घोड़ी लेनी चाहिए, बच्चा लेना चाहिए, कैसे? मेरे हिसाब से दो दांत या दंत लेकर घर में पाल करो और फिर खुद तैयार करो। बड़ी घोड़ी पर कभी वो तैयार, बड़ी घोड़ी, घोड़ी कई जगह से बिगड़ी हुई आती है, पता नहीं कौन से उस्ताद ने कैसे उसमें दिया है गुण, कैसे नहीं दिया है। खुद अपने हिसाब से चाहे कम चलो चाहे ज्यादा चलो, लेकिन खुद मालिक की घोड़ी तैयार मालिक ही करे जी। इसी छोटी उम्र की तैयार करो, 10 से 11 महीने तक बच्ची तैयार करो। हाँ, बच्ची तैयार करो, अपने आप ही उसको पता लग जाएगा, अपन को पता लग जाएगा उसका स्वभाव कैसा है, कैसे काम करेगी, कैसे इसको तैयार करें। और अपन जैसे किराए के लेके आते हैं तो किराए के 2 दिन चला जाएंगे फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो उससे बेहतर मैं मानता हूँ कि खुद की घोड़ी को खुद तैयार करो। बहुत अच्छी बात है, तो आपकी इतनी स्पीड पर चलती है घोड़ी, बहुत तंदुरुस्त है, खिलाते क्या विश्वास? वैसे तो नॉर्मल तो सब खिलाते हैं, स्पेशल क्या खिलाते हो डाइट के अंदर? स्पेशल इसको अब क्या बताएं आप फिर भी खिलाने के लिए देखो, हम नहीं खाते हैं, सच्चा इसको खिलाते हैं हम, कि इसके लिए लाडू भी बना रखे हैं हमने जी, दाख बादाम काजू जो इसकी इच्छा वो खा ले, इच्छा है। खाओ, कोई दिक्कत जो मन करे जो जी। रंजिका है, तोड़ा है, नहीं बहुत अच्छी बात है, कह दिया इनके। ये मेरे पिताजी हैं, नमस्कार जी अंकल जी, क्या नाम है सर अपना? नाथूलाल। नाथूलाल मीणा, तो वैसे तो आपका ही बनाया हुआ फार्म, ये तो पीछे पीछे चल रहे हैं आपके जो बिल्कुल बिल्कुल रास्ता बताया उस पर, रास्ते में कदमों पर चल रहे हैं आपके पर, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने जमाने में खूब नाम भी कमाया और खूब मेहनत की, इतना बड़ा फार्म बनाया, आसपास के इलाके में मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा अच्छा फार्म, और अच्छे जानवर पाल रखे हैं। अरे ये 2 बीघा जमीन है तो ये घोड़ा घोड़ियों के नाम मानो जी, इनका ये फार्म तैयार है, 2 बीघा पक्की जमीन है ये, और इनके लिए मकान भी तैयार हो रहा है, उस हिसाब से इसमें सेट करेंगे। अभी ये इनका फार्म बना ही दिया, छप्पर में बांधना हो छप्पर में, चादरों में, मकान में, जैसे इनको ठीक लगेगा जी, इनके लिए घास लगाई जा रही है जी। बहुत अच्छी बात है, तो कहीं मेले में भी जाते ही होगे? हाँ, हर मेले में, हर दंगल में, हर दंगल में, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक तरह से उसे हो गया कि नारसिंह जी की घोड़ी नहीं पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल हर दंगल में हर मेले में जाते हैं हमारे रणथंभौर। मेरे पास में और भी है, कई जानवर हैं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं, इसके मुकाबला नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत अच्छी बात है, देखिए दोस्तों आप ये स्टेट फार्म बहुत ही अच्छा स्टेट फार्म है, और आपको दिखाते हैं ये स्टेट फार्म का थोड़ा दर्शन भी कराते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत आप देख लीजिए, आप 2-3 दिन घट रहे हैं इसको बहने में, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं भगा कर दिखाता हूँ। ठीक है सर, देखिए जरूर जरूर।
बस बेटा बस, अभी जाएगी क्योंकि प्रेग्नेंट भी है ज्यादा। हाँ, दो या तीन दिन में भी आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, ठीक है सर। और वैसे मेरे से गुड़मस्ती करती है, कई लोग कहते थे ये बहुत बदमाश है, मेरे लिए बहुत बहुत ही सपूत है। सपूत है वो तो दिख रही है एकदम। बस बेटे बस बस बस, आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है। राम राम साहब, आपके चैनल को और आपको। ठीक सर।